तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम का नया अकाउंट कैसे बनाएं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपना पेटीएम अकाउंट ओपन कर लेना होगा, इस तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पर ओपन किया है, आपको इसी तरह से पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। चलिए मैं यहाँ पर 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर से अलाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर से अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस सिक्योरली पर क्लिक करने के बाद आपके पास 6 अंकों का OTP आएगा। यहाँ पर आपको OTP डालना नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव प्रूफ है ना, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफाइल फ़ोटो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं प्रोफाइल फ़ोटो पर। प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा UPI पेमेंट सेटिंग, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। UPI पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। चलिए हम ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक खोलकर रेडी हो जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक है ना, आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक खोलकर रेडी हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर आपका बैंक नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं है ना। तो चलिए मेरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसी पर कर देते हैं क्लिक। तो जो भी आपका बैंक होगा आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी कुछ ही सेकंडों में जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट लिंक सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, आपको ओके गो इट पर क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप UPI पिन को चेंज कर सकते हैं है ना, आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को शेयर भी कर सकते हैं है ना। चलिए हम बैक चलते हैं यहाँ से। बैक आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से किसी के QR कोड पर पैसे को भेज सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर से आप किसी के पास पैसे को भेज सकते हैं और यहाँ पर किसी का बैंक डिटेल आप लेकर यहाँ से पैसे को भेज सकते हैं, यहाँ से बैलेंस को चेक कर सकते हैं। और चलिए आपको नीचे दिखाते हैं, यहाँ से आप किसी का रिचार्ज भी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक बिल आप जमा कर सकते हैं है ना, आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। अपने पेटीएम अकाउंट से आपको बैंक नहीं जाना है, आप यहीं से पैसे चेक कर सकते हैं, किसी के पास पैसे भेज सकते हैं है ना, यहाँ पर सब कुछ आप कर सकते हैं वो भी आसान तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।